लाइव न्यूज़ से आबिद खान, कल फिर से एक बहुत बड़ी मीटिंग है सरकार के साथ, क्या उम्मीदें हैं भाई साहब? उम्मीदें सबको पता है, उम्मीद तो सरकार है, उन्हीं से करनी है, उन्हीं से बात। अगर वो मान जाए तो ये आप देश के अन्नदाता, उन सबके अन्नदाता है, तो ये उठ के अपने घर जा सकते हैं। और अगर नई बात मनती है तो दिन अभी 13 हुए हैं, ये 130 भी होंगे और 1300 दिन भी होंगे। वो सरकार की मर्जी है, वो इन दिनों को कितना घटाना चाहती है, कितना बढ़ाना चाहती है। क्या लग रहा है आपको भाई? अभी तक उनकी बातों से हमें लग नहीं रहा कि सरकार पीछे हटने वाली है। क्या तैयारियां? तैयारियां ये हैं, पीछे किसान भी नहीं हटने वाले हैं, हम पूरी तैयारियों के साथ पहले ही आए हैं। देश भर से, पूरी दुनिया भर से आपको सपोर्ट मिल रहा है आपके प्रोटेस्ट को, क्या कहेंगे? सिर्फ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया को छोड़ के सभी का सपोर्ट मिल रहा है। ये कहा जा रहा है कि केवल पंजाब का प्रोटेस्ट है। देखिए, मैं हरियाणा से हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं पंजाब से हूँ, और वैसे तो मुख्य रूप से हम हरियाणा पंजाब एक ही हैं, ये तो राजनीतिक लोगों की षड्यंत्र थे जो हरियाणा और पंजाब को 66 में अलग कर दिया था, हम एक ही हैं। मैं हरियाणा से हूँ, मैं पानीपत जिला से हूँ, एडवोकेट हूँ चंडीगढ़ हाईकोर्ट में, बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, लेकिन एक किसान पुत्र हूँ। कैसा फील होता है जब आपको नेशनल मीडिया पे विलन के तौर पे प्रस्तुत किया जा रहा है? देखिए, ये मीडिया का अपना काम है, अपना नजरिया है सबका, कोई किसी के लिए कम। मैं कहता हूँ मीडिया एक चौथा स्तंभ है हमारा, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर वो अपने जमीर बेच के किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए कोई काम करता है, कोई रिपोर्ट बनाता है, कोई खबर चलाता है, तो उसमें वो भगवान उसको भी देखता है। अगर वो हमें विलेन बनाता है, ये आपको सबको पता है, ये दुनिया का अन्नदाता, दुनिया का पेट भरने वाला, कहाँ से विलेन हो सकता है? क्या क्या हमारे क्या काम आपको विलेन के लगते हैं, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या लगता है? मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार हो, चाहे स्टेट की सरकार हो, चाहे सेंटर की सरकार हो, उसकी ताकत क्या होती है? लोग उसकी ताकत होते हैं। और लोग यदि सबसे सुप्रीम कोर्ट किसी भी राष्ट्र के लोग होते हैं, लोग सबसे बड़ी ताकत हैं। यदि लोग कहते हैं कि ये कानून हमें नहीं चाहिए, तो आप क्यों ज़बरदस्ती लोगों पर ठोस रहे हो? ये एक तरह की सरकार की एक तरह की गुंडागर्दी, अगर नहीं भी चाहेंगे तब भी आपको ये कानून लागू किया जाएगा। आपको नहीं लगता पिछले 5 सालों में जो सरकार ने बड़े बड़े कानून बनाए हैं वो जनता को पसंद नहीं आए, लेकिन सरकार बना रही है? कानून बाद की गल आ, सारी देश के लोगों का, गरीबों का, कि व्यापारियों की गला कुटिया हुआ, इन्नी महंगाई बढ़ रही है, GDP फिर डाउन आ रही है, फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ जो उनसे काम नहीं संभल रहा तो किसी और बंदे को दे दो। लॉकडाउन में केवल एग्रीकल्चर था जिसमें GDP ग्रोथ प्लस में थी, और फिर भी सरकार ऐसा कानून बनाया क्यों? GDP ऊपर होने के कारण उसने, सरकार ने देखा कि जो किसानी है यही सब कुछ बचा रही है, इसीलिए उन्होंने दो अमीर आदमी थे उनके लिए ये कानून बना दिया, क्योंकि ये एक यही तरीका था कि जो देश को बचा सकता था किसानी वाला। और उन्होंने सोचा कि अगर ये किसानी वाला मुद्दा हमारे पास आ जाए तो हम और अमीर हो जाएंगे, क्योंकि 2013 में जब मोदी ने इलेक्शन लड़ा था तब उनसे डील हुई थी कि आप मेरे को सपोर्ट दो, मेरे को जिताओ, PM बनाओ। उन्होंने इसको PM बना दिया, और इसने बदले में उसको कहा था कि मैं तेरे को अपना देश बेच दूंगा। वो अपनी डील पर देश बेच रहा है इसीलिए। पर पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री, तो आप कहते थे कि प्रधानमंत्री दोबारा कैसे बन गया, ये वो अमीरों की तरह कारण ही बना है, क्योंकि अमीर लोगों ने इनको जो हैगी अपनी EVM मशीन खरीद के दे दी, वो EVM मशीन के चक्कर से बन गया। आज इलेक्शन करा लो बैलेट पेपर के साथ, इनकी जमानत जब्त ना हो जाए तो हमको बता देना। पूरी दुनिया से सपोर्ट मिल रहा है इस आंदोलन को? इस आंदोलन को पूरे वर्ल्ड का सपोर्ट मिल रहा है, और मोदी की जितनी बेइज्जती हो रही है, कोई और इंसान हो इसको सोच कर कुछ खा कर मर जाए, और इस लोग जो पंजाब जितनी जनता खड़ी है इसका इनको पाप मिलना ही मिलना है, जो इसी ने कानून अपनी मर्जी से थोप रहा है। और इसी आदमी ने किया पैदा, नोटबंदी की, पूरे में नुकसान हुआ, आंदा 15-15 लाख रुपये तेरे खाते में पाऊंगा, एक पैसा नहीं पाया, आंदा काला धन बारो मंगाऊंगा। ये बंदा बहरूपिया जी शकल का बंदा, कभी दाढ़ी लंबी कर लेता, कभी ऊपर कर लेता है, जो इंसान होता है वो एक की देख रेख होती है, तो सुबह जैसे होता है उसे होता है, कई रूप बदलता है, इसे बोलते हैं बहरूपिया। हम सुबह से देख रहे हैं बड़ी तादाद में हरियाणा के लोग भी आए हैं, लेकिन नेशनल मीडिया पे बार बार ये दिखा रहे हैं लोग, यहाँ हरियाणा कोई इंसान ही नहीं है। अब मैं उस नेशनल मीडिया की जो आप बात कर रहे हैं, जिसको आप नेशनल मीडिया बताते हैं, वो एक हमारा एक बड़ा वर्ग, जिनको मैं कहता हूँ, जिसको आप नेशनल मीडिया बता रहे हैं, वो तो बिका हुआ है, वो एक ही पूंजीपति के चैनल हैं, 8-10-15-20 चैनल हैं उसके, वो वही दिखाएंगे।
उन्हीं को आप बिका हुआ कह लो, जब हमारी भाषा में हम उनको बिका हुआ बोलते हैं। एक आदमी की जो भाषा बोलते हैं, सरकार की जो भाषा बोलता है, मैं उनको मीडिया नहीं मानता। मैं आपको, आपके चैनल को, जो आज किसानों के साथ रातल पे खड़ा होके हमारी बात पूरे देश दुनिया में दिखाने की जो आप हिम्मत कर रहे हैं, मैं उनको मीडिया मानता हूँ। मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपको मानता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका धन्यवादी हूँ पूरे किसान वर्ग की तरफ से कि आपके चैनल को मैं दिल की गहराइयों से नतमस्तक होकर सलाम करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचा रहे हैं। जहाँ जो लोग आए हैं वो देश की मिट्टी को प्यार करने वाले लोग हैं, देश को प्यार करने वाले सच्चे देशभक्त लोग हैं। दूसरी पासे सेंटर की गवर्नमेंट जो पूंजीपतियों के हाथ सभी हमारे जनतक अदारे जो हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे हवाई जहाज हो, उनके हवाई जहाज अड्डे हो, वो सभी उनके साथ डील कर रही है, बेचा जा रहा है बहुत जल्दी से। ये जो कानून पहले भी उनके साथ डील करके बहुत कुछ देश का बेच दिया गया और हम लोग नहीं बोले, जो बोलता था तो उसमें जो मुलाजिम काम करता था वो बोलता था। लेकिन जब ये बहुत बड़ा सौदा हुआ कारपोरेट के साथ, खेती कानूनों का बहुत बड़ा सौदा हुआ, मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा सौदा है ये। और ये सौदा जब हुआ तो लोगों को समझ आया कि हमारे पैरों के नीचे ज़मीन खिसका ली गई है। और लोगों इस आंदोलन को आंदोलन के रूप में ना देखो, इस आंदोलन को काले कानूनों के खिलाफ ना देखो, ये एक तरह का पूंजीवाद का विरोध है। पूंजीवाद जो हमारे सभी देश के सभी तरह के जनतक अदारे थे वो उनको निगल रही थी, उनका विरोध है ये। और एक मैं बताना चाहता हूँ कि एक देश का चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बिजली बोर्ड हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई और जनतक अदारे हो, वो हमारे पुरखों ने बनाए हैं, हमारे देश के हैं। एक आदमी को क्या क्या कानून है, एक आदमी को क्या उसकी हैसियत है कि वो सभी को बेच दे, सभी को सेल में लगा दे। ये देश को बेचा जा रहा है और ये बिल्कुल बिल्कुल इस आंदोलन को खालिस्तानी आतंकवादी कहकर खराब किया जा रहा है। बिल्कुल कोई ऐसी खालिस्तानी की कोई बात नहीं है। ये सरकार आप तार पिंडो करने के लिए ऐसे वर्ग को वाड़कर अंसरों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पंजाबी और खासकर सिख लोग के हैं जो सभी के भाईचारे को अच्छा जानते हैं और किसी को सब सरबत का भला मांगते हैं। सूबे के बहुत सारे मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है ये प्रायोजित है और विपक्षी दलों का है। देखिए, अगर आप यहाँ पूरे आंदोलन को कवर किया होगा आपने सुबह से शाम तक, या 26 तारीख से आप भी कवर कर रहे हैं, आपको किसी पार्टी विशेष का या कोई नेता दिखाई दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ हर किसान, चाहे वो, मैं मानता हूँ कोई ना, हर व्यक्ति किसी ना किसी पार्टी को वोट देता है और किसी पार्टी का कार्यकर्ता होता है। किसी पार्टी का कोई प्रॉपर नेता किसी ड्रेस में, कोई झंडा लेके, कोई डंडा लेके यहाँ कोई इसमें आपको दिखाई दिया हो तो हम भी मान जाएंगे ये प्रायोजित है। सरकार के बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है सिर्फ एक क्षेत्रीय है, यानी कि पंजाब हरियाणा तक सीमित है। क्या कहेंगे? ये पूरे हिंदुस्तान का है और इसका समर्थन पूरा वर्ल्ड कर रहा है। और इस इंसान को ये नहीं पता, आज से 50 साल पहले हमारा देश जो भीख मांगने के लिए दूसरे देशों में जाता था और लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा लगाया था जय जवान जय किसान, और जो किसान ने तगड़े होकर मेहनत की ते जवान बॉर्डर से खड़ के अपने साथियां ताड़ कर देश की रक्षा की थी। ये लोग वो हैं जिन्हें देश का अन्नदाता बन के पेट भरिया और उसको धक्के लगा रहा मोदी। ये बहुत गलत बात है, ये कदे वास्ते किसी ने भी बर्दाश्त नहीं करना है। इस करके मतलब जिहड़ा वा ये कहिंदे एक हफ्ते दे विच एक दिन का वर्त रखा जाए अनाज घट करके, लेकिन वो रखा डर लग रहा है। बड़ी तादाद में आर्म फोर्स वहाँ खड़ी है। देखिए, आर्म्स फोर्स तो ड्यूटी है सरकार की कि किसी भी काम कोई दुर्घटना ना हो, कोई आंदोलन उग्र रूप ना ले, उसकी प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगा दी जाती है। लेकिन मैं आपको बहुत अश्योर करना चाहता हूँ कि आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण रहेगा, अब तक रहा आगे भी रहेगा। सरकार ने इस आंदोलन को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की है। सरकार ये गलबात देखे, इस काम से सरकार असफल हो चुकी है, कोई धर्म की बात नहीं है। साढ़े गुरु साहबाना क्या, हम हिंदू सिख मुस्लिम सब भाई भाई हैं, सचखंड श्री हरिमंदर साहब में चार दरवाजे बने हैं, चार ही जातों के लिए एक की बात की है। जे मुसलमान सच्चा है, जे पीर बुद्धू जैसा, मतलब ऐसे भी मुसलमान है जिसका सत्कार है, ऐसे हिंदू भी हैं जिसका नाम है मतीदास, सतीदास, भाई दयाला जी जिन्हें शहीदियाँ प्राप्त कीतियाँ,
धन गुरु तेग बहादुर वास्ते साहब के टाइम उत्ते ये ऐसी कौम है अजिही गल कोई है नहीं हैगी। प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के इन्हीं किसानों से अपील की थी कि 5-5 किलो अनाज दान करो, पर आज उसी किसान का गला घोटने के लिए 3 काले कानून व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए क्या लेके आए हैं। मैं कहता हूं इससे शर्म की बात मेरे देश के वासियों के लिए क्या होगी। दिल्ली लाइव न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। देखो किसानों के अंदर आक्रोश है, लेकिन एक उम्मीद भी है कि सरकार उनकी बात जल्दी सुनेगी, लेकिन किसान तैयारी के साथ भी आए हैं कि वो लंबे समय तक यहाँ से हिलने वाले नहीं है अगर सरकार उनकी बात को नहीं मानती है। दिल्ली लाइव न्यूज़, आबिद खान।